गांव में आए हैं, क्या आयोजन है? आयोजन जिस भवन में आप खड़े हुए इसका शिलान्यास था, उद्घाटन था आज, जिसके अतिरिक्त आपने रास्तों का उद्घाटन है, यहाँ पर शमशान घाट में भी कुछ काम हुए हैं उनका उद्घाटन है, कमरे स्कूल के अंदर है, लगभग 88 लाख के उद्घाटन होगा यहाँ पर प्रोग्राम। निकट भविष्य में प्रथला विधानसभा के लोगों को क्या क्या विकास कार्य मिलने वाले हैं उनके बारे में बताएंगे? निकट भविष्य में कल आप देखोगे कि विश्व स्तरीय एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जिसकी लागत 989 करोड़ रुपये तक वैसे आएगी कंस्ट्रक्शन पे। और मैं ग्राम पंचायत कोहला का धन्यवाद, उन्होंने 82.9 एकड़ जमीन लगभग जिसकी कीमत 500 करोड़ बनती है वो फ्री में दी, उसके लिए भी उनका धन्यवाद। कुल मिलाकर के 1489 करोड़ रुपए की सौगात कल प्रधानमंत्री जी हमें देंगे, और उससे इस क्षेत्र का ही नहीं पूरे फरीदाबाद पर, फरीदाबाद शासक पूरे हरियाणा और हिंदुस्तान का, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर पहली यूनिवर्सिटी है विश्व में अपने स्तर पर, छठी यूनिवर्सिटी। इसके अलावा किस तरीके से यहाँ पर आयोजित किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो गुड़गांव रहेंगे, तो क्या हम लोग दूधौला में रहेंगे और दूधौला के अंदर वहाँ से वो रिमोट से उसका उद्घाटन करेंगे, और हम सभी वहाँ गिरिराज जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, विपुल गोयल जी उद्योग मंत्री हैं, और मैं और वहाँ के सभी सरदारी प्रोमिनेंट लोग जो हैं वो दूधौला में। लोगों के लिए क्या सुविधा कहेंगे? सुविधा लोगों के लिए कोई ऐसा नहीं है कि सुविधा के लिए नहीं है, तो सुविधा ही सुविधाएं आगे के लिए। आप देखोगे कि प्रथला एक अलग ही अपनी पहचान बनाने जा रही है। यूनिवर्सिटी बनने के बाद प्रथला की सीरत और सूरत बदल जाएगी क्या? आज भी उसकी यूनिवर्सिटी जब पिछले साल से चली है, पिछले साल 60 बच्चे थे, आज वहाँ पर 350 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ी चीज है कि पढ़ाई के साथ कमाई। वहाँ पे जो बच्चा एडमिशन ले लेता है उसे 7,000 से लेकर 10,000 रुपए तक पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है, और उसके बाद जब वो ट्रेनिंग पूरी कर लेता है तो उसे परमानेंट जॉब या वो अपना कार्य करना चाहे उसको कम से कम जो आदमी 10,000 का है वो मिनिमम 25,000 का आदमी है। कहा जा सकता है क्षेत्र में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? 100% मैं कह सकता हूँ कि साल में 12,000 बच्चे यहाँ से निकल जाएंगे, और 12,000 जब बच्चे निकलेंगे तो मेरे अंदाज में साल में एक बहुत बड़ा वो होगा। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के अंदर आप BSC नर्सिंग कॉलेज आपका दयालपुर में पनाडा के साथ लगते हुए गांव में ही आ रहा है, एक मॉडल ITI आ रही है आपके यहाँ सुनपैड के अंदर, 4 ITI यहाँ पहले ही चालू हो चुकी है, पढ़ाई के क्षेत्र में गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रथला विधानसभा क्षेत्र अपना एक अलग पहचान बनाने जा रहा है, बहुत जल्दी आपको देखोगे चाहे CHC है, PHC है, चाहे रेनिवेल स्कीम है, सैकड़ों 2,000 से 2,200 करोड़ रुपए की सौगात है प्रथला विधानसभा क्षेत्र के लिए होती है। इसके लिए मैं माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का, प्रधानमंत्री जी का और समस्त साथियों का विशेष रूप से धन्यवाद। देश विदेश की राज्य प्रदेश की सभी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।